अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। यार आपके टिकटॉक पे सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूट्यूब पर भी इसी तरह सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको व्लॉग देते रहेंगे। तो यार हम आज के व्लॉग का आगाज हम अपने प्यारे प्यारे चिक्स को खोलने से करते हैं। नहीं तो चिक्स को पहले खोल लेते हैं, उसके बाद हम अपने तमाम परिंदों को ना पानी डाल लेते हैं। तो अब हम इन्हें अपने प्यारे प्यारे चिक्स को खोल लेते हैं। हमारे बड़े भाई जो इन्हें खोल रहे हैं, ये देखो ये कैच कर लिया इस तरह। यार ना फेंको प्यारे भरे मसूम मसूम से चिक्स हैं। वो देखो ये माशाल्लाह से हमारा फुल टाइम उड़ लेता है। और हमारा पिजन है जो हमने पकड़ा था टिकटॉक पे, हमने दिखाया था, आज आपको वो दिखाते हैं। माशाल्लाह से उनका प्यार फुल टाइम लग गया है। ये देखें, ये हमारा मेल है और इसकी फीमेल ये बैठी हुई है। सो हम रात को ना अपने प्यारे प्यारे सेटअप के लिए ना तो चिक्स भी लेकर आए थे। जावा कह रहा हूँ यार, क्या नाम था भाई, क्या नाम था, फिंच चिक्स। हम अपने सेटअप के लिए फिंच जो भी है लेकर आए थे। वो देख माशाल्लाह से इन्होंने आते साथ ही कुत्ते के अंदर जाना भी शुरू कर दिया। भाई आप इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। भाई ये जो होते हैं ना, इनके ये अंडे बहुत ज़्यादा जल्दी उतारते हैं। हमने जिनसे लिया वो कहते हैं इन्होंने हमारे पास पहले भी अंडे उतारे हुए थे, तो जिसकी वजह से आप लेके जाएंगे आपकी तरफ भी अंडे उतारेंगे। अभी अंडे उतारेंगे हम आपको भी बताएंगे, इनके बच्चे आए हैं। सो हमारे सेटअप पे भी छोटे छोटे बच्चे आने लग जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से, ये जो प्यारी प्यारी है ना, ये फीमेल है। और जो इसने आते साथ ही दो दिन हुए हैं, बल्कि एक दिन हुआ है रात को लेकर आए हैं, तो इसने कुत्ते के अंदर जाना भी शुरू कर दिया है। तो इसका जो कुत्ता था ना, उसके अंदर जाने भी शुरू कर दिया। साथ साथ हम अपने प्यारे प्यारे सेटअप के लिए प्यारा सा प्यार भी लेकर आए हैं, ऑस्ट्रेलियंस का बजिस लेकर आए हैं छोटे छोटे। इनका भी हमने कुत्ता लगा दिया, क्योंकि जो जहाँ से आए थे ना, इन्होंने वहाँ पे भी अंडे उतारे थे, बच्चे उतारे थे। सो ये हमारे पहले आपने टिकटॉक पे देखे ही होंगे, जो हमने आपको दिखाए थे कि एक हमारे पास आए थे बजिस का, और एक क्या था, क्या नाम था यार इसका, एक तो नाम बताना। कॉकटेल, हाँ एक तो कॉकटेल आया था। हमारे बजिस ने ना इस कुत्ते को सिलेक्ट किया कि वो इसमें ब्रीडिंग करेंगे, पेयर करेंगे, अंडे देंगे, पर हमारे कॉकटेल ने ना इस पर कब्जा कर लिया है। तो इसलिए हमने अपने बजिस के लिए ये वाला कुत्ता सिलेक्ट किया है। हमने अपने कॉकटेल के बड़े वाला लगाया था, पर नहीं, उन्होंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया छोटा सा, पता नहीं कैसे उस पर अंडे देंगे। सो अब हम अपने दोपहर को आके अपने तमाम जानवर को दाना पानी करेंगे और फिर आपको मिलेंगे बाद में। तो फाइनली हम 4 घंटे बाद ऊपर आए हैं। अब हम अपने तमाम परिंदों को डाइट डालेंगे उनकी, और अपने तमाम जो हमने अपने प्यारे प्यारे कबूतर खोले थे और अपने चिक्स खोले थे, अब हम इनको बंद कर देंगे। हमारे भाई देखें क्या खा रहे हैं। भाई आप क्या खा रहे हो भाई जान जी? हम इनको ना डाइट डाल रहे हैं, क्योंकि विटामिन जो तेल में बहुत बेहतर होती है, धूप भी साथ साथ इनके लिए बेहतर है। ये मेरे ख्याल पालक डाल रहे हो ना? हाँ जी पालक डाल रहे हैं, क्योंकि इनसे ये अंडे जल्दी ज़्यादा जल्दी देंगे और ज़्यादा बच्चे आएंगे। ओ भाई जल्दी अंडे देंगे भाई, कह रहे हैं कि इनसे हमारे पास अंडे ज़्यादा आएंगे, फिर हो जाएंगे हमारे पास बेबीज, बहुत ज़्यादा बेबीज हो जाएंगे। हम ये हम किस किस को डालेंगे? ये हम तमाम पेट्स को डालेंगे, एनिमल्स को। ये हम क्या अपने कबूतरों को भी डालेंगे? हाँ जी ओ कबूतरों को भी डालेंगे, हम अपनी जो चिड़ियाँ हैं छोटी छोटी हम उनको भी डालेंगे, अपने ये तमाम कबूतरों को भी डालेंगे। यार मैं अपने कबूतरों से बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ, कि ये देखो ना हमारी आले बेटा माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा हुई। अभी इन्होंने ये दो नमूनों ने ख़राब कर दिया है। ये हमारी आले बेटा बस ये बड़े वाले ना गमले से हुई है, ये सारे ये सब के सब इसके ना बेटे हैं, बच्चे समझो। ये 2 साल इसने लिए और माशाल्लाह से ये देखें, ये एक ये भी पड़े हुए हैं, ये भी इसके ही हैं और ये भी इसी के ही हैं। सो अब हम अपने तमाम परिंदों का डाइट डालते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला क्या करना है, मिशन हमारा क्या है। सो फाइनली भाई ने बजिस को डाइट डाल दी। अब हमारे पास रह गए हैं 4 जो वाले बजिस रह गए हैं, जो हमने कल रात को लेकर आए वो बजिस रह गए हैं। सो और हमारे कबूतर हैं, ये आप पहले पहले चिक्स को डाल रहे हैं? हाँ जी। सो भाई चिक्स को डाल रहे हैं, देखते हैं। अब भाई आ गई हमारे ब्लू कलर वाले बजिस की। यार ये मुझे थोड़े सुस्त नहीं लग रही है, सही है? नहीं भाई जान जी सही है, ये इसी तरह होंगे, नए नए है ना, थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे लोगों ने माशाल्लाह से। वो देखें हमारे इन्हें बजिस ने खाने भी शुरू कर दिया, फर्स्ट टाइम हमने इन्हें डाला है, क्योंकि
पहले डाला नहीं था, माशाल्लाह से खा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आएंगे अंडे बच्चे, जिम मजा ही आ जाएगा यार। ये हम इस केज में ना हम अपने प्यारे प्यारे चिक्स को बंद कर लेते हैं, क्योंकि सुबह हो जाती है रात और सुबह को सर्दी होती है। हमारे ना आपने टिकटॉक अकाउंट पे देखी हुई है, हमारे पास 3 आए थे चिक्स कलरफुल, पर वो ना सर्दी की वजह से ना मर गए। पिछले दिनों में ना बारिश हुई थी, 2 दिन मुसलसल बारिश रही थी, उन्हें एक को ला गई सर्दी पिंक वाले को। वो हमने उसको मेडिसिन भी खिलाई, 2 दफ़ा खिलाई, फिर भी हम उसको नहीं बचा सके जो अल्लाह का मंजूर था। उसके बाद अगले दिन ही हमारा जो ब्लू येलो कलर का था ना, वो भी हमें छोड़ कर चला गया। हमारे पास अकेला यही रह गया था, तो हम उसके लिए इसका पार्टनर ले आए। ये देखें, और ये माशाल्लाह से बहुत तेज़ है, ये हाथ भी नहीं आता। ये देखें ना, हमारे बजिस खा रहे हैं और माशाल्लाह से हमारी इन बजिस ने भी खाना शुरू कर दिया है। सो अब हम अपने प्यारे प्यारे चिक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हाथ में तो नहीं आना, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। ये सो फाइनली हमने इसे पकड़ लिया है। हम इसे हम केज में बंद करते हैं, बड़े वाले केज में तो हम नहीं करेंगे, इन्हें छोटे वाले में गाड़ के नीचे ले जाएंगे। अच्छा छोड़ दे, चल भाई। सो अब हमारे आ गई बारी येलो वाले की, भाई लाइट का फोकस करना। ये हमारा बहुत शरीफ है, शरीफ बेबी शरीफ। हम इसको अभी ऐसे बंद कर देंगे, और इनकी जो पालक भैया आपने काम रखी है भैया ने, इनको नीचे डाली थी मैंने, तो ये बाद में, चलो कोई नहीं बाद में डाल देंगे। अब अपने तमाम मेरे अपने हम जो है कबूतरों को बंद कर लेते हैं, पिजन्स को। ये हमारी फीमेल है, और इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द अंडे भी दे देगी। पिछले दिनों में ना इन्हें एक बीमारी आई थी, जिस बीमारी की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा यानी कि वीक हो गए थे। वो बीमारी क्या थी, उन्हें ना जुएं पड़ गई थी, तो वो बीमारी शक क्या है कि हमारे ये बजिस को भी आ गई है। सो पहले अभी जा शक क्या है कि बजिस को भी लग गई है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। कि इस कमज़ोर होने का मतलब यही होता है कि वो इनके अंदर बीमारी आ गई है। आपको मैं उसका हल भी बताता हूँ क्या बेहतर उसके लिए हल है। सबसे पहले हम इसको पकड़ लेना। सो फाइनली हमने ये पकड़ लिया, ये वो वाला है जो हमने हाथ से पकड़ा था, इसे पकड़ने में बड़ी मेहनत लगी थी। तो ये अब और पकाता है, फोकस करना। सो ये जुओं के लिए बीमारी है। अगर आपके केजिस में भी ये देखें, अगर आपके ये नाम है टाइगर गोल्डन टाइगर, अगर आपके केजिस में भी अगर कोई कीड़े आ जाते हैं जरासीम, तो आपने इसको ये वाली डाल दे, पाउडर होता है, ठीक है समरिया। तो यार अब उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट में भी बताना आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं, और हमारे अकाउंट टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर लेना। सो अभी के लिए ज़्यादा दिए, मिलेंगे इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।